लेकर चलते हैं राजस्थान। पहली लिस्ट वहां पर उम्मीदवारों के लिए जारी कर दी गई है, लेकिन बगावत का सिलसिला भी इसी के साथ हो चुका है शुरू। सबसे पहले वसुंधरा राजे के करीबियों ने ही बगावत के सुर तेज कर दिए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सुरेंद्र गोयल, गोधन मेघवाल, नंदलाल मीणा, ये वो चेहरे हैं जो कल तक राजस्थान में बीजेपी के वफादार थे, लेकिन पार्टी ने जैसे ही इनका टिकट काटा, इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। शुरुआत हुई सुरेश गोयल से, सीएम वसुंधरा के करीबी हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब की बार पार्टी ने इनसे कन्नी काटते हुए इनका टिकट काट दिया। 8 चुनाव लड़े हैं जिसमें से 5 चुनाव जीता हूँ, ऐसे व्यक्ति का टिकट काटना, वो पार्टी बताए कि किस कारण से टिकट काटा है। आरएसएस जो कह रही है, जो वाजिब काम थे वो हमने करने की कोशिश की। अब गलत काम तो मेरे सगे भाई का है, तो भी मैंने जिंदगी में किया नहीं। आरएसएस जो कहे वैसे चलोगे तो ये राजस्थान के नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत नासूर बनेगा। सुरेंद्र गोयल पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तैयारी निर्दलीय चुनाव लड़ने की है, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, पार्टी के हमारे जो प्रदेश नेतृत्व की बात को समझकर, परिस्थितियों को समझकर सुरेंद्र गोयल जी अपना निर्णय वापस करेंगे। नाखुश गोयल से बीजेपी नैतिकता की दुहाई देकर चुनाव से दूर रहने की अपील कर रही है, लेकिन पार्टी की कोशिशों पर अपने ही पानी फेरने में जुट गए हैं। इस कड़ी में जैतारण के नजदीक सोजत सीट से भी बगावत की गूंज उठ रही है, तो लगे हाथ प्रतापगढ़ से विधायक और वसुंधरा सरकार में जनजातीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा भी अपनी ही पार्टी से चुटकी ले रहे हैं, वो भी तब जब बीजेपी ने इनकी जगह इनके बेटे को मैदान में उतारा है। हम प्रदेश कार्यकारिणी तक पार्टी की सेवा की है, ये लोग तो पार्टी वाले, तो ये बिल्कुल नया सूट, वो पैरा सूट वालों को ये टिकट दे रहे हैं। जिनकी आयु 75 वर्ष के करीब या उससे अधिक हो गई है, उनको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया। इसमें किन किन लोगों का चयन हुआ ये आपको सबको अच्छी तरह से मालूम। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले सिर्फ ये 3 चेहरे नहीं हैं, बल्कि जानकारों की माने तो बगावत करने वालों की फहरिस्त अभी और लंबी हो सकती है। लाइन में लगे हैं कुल 21 विधायक जो टिकट न मिलने की सूरत में बगावत की राह पकड़ सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब महीने भर का वक्त भी नहीं बचा है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा देरी से इसलिए कर रहे हैं ताकि बागियों को, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा वक्त ना मिल सके। कैमरामैन हाशिफ खान के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, जोधपुर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।